लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की। तो क्या होता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का सीधा सीधा मतलब यह है कि चार्जेस को हम डायरेक्टली, जैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम चार्जेस को भी ऐड या भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2q से चार्ज है, ठीक है। चार्ज क्यू मतलब चार्ज, ओके, ऑलवेज रिमेम्बर क्यू का मतलब चार्ज, ठीक। अगर हमारे पास में कोई क्यू चार्ज है, 2q चार्ज है पॉजिटिव का, और अगर हमारे पास में एक निगेटिव का चार्ज है माइनस का 3q, ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूँ इसमें ओवरऑल चार्ज क्या है हमारे पास में, कि इसका ओवरऑल चार्ज बताओ, इस सिस्टम का ओवरऑल चार्ज बताओ, तो सिंपल है, 2q - 3q = -q। मतलब सिस्टम के ऊपर जो पूरा आपका चार्ज है वो आपका माइनस का क्यू है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, इसमें थोड़े बहुत और चार्जेस ले लेते हैं, जैसे -q + 2q + 3q - 2q + बस, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं प्लस वाले चार्जेस कौन कौन से आपके, +3q + 2q, ये हो गया आपका +5q, और ये क्या हो गया आपका -3q। तो सिंपल इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करके जैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, +5q - 3q = +2q। मतलब जो पूरे सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम के ऊपर जो आपका चार्ज है वो आपका +2q है, ठीक है। तो ये था आपका एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, इसमें यही है। और चार्जेस कंजर्व, तो चार्जेस कंजर्व का क्या मतलब है? तो भाई चार्जेस कंजर्व का ये मतलब है कि जो चार्ज होता है वो आपका एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है, या खत्म नहीं होता, ठीक है। और ये क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, इन द सेंस हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं तभी जब उसके अंदर या तो उसकी प्रॉपर्टी हो। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हमने इंडक्शन में पढ़ा था, क्या करते हैं, हमारे पास में कोई पॉजिटिव का कोई हमारे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है, उसको हमारे पास में दो कोई भी कंडक्टर हैं, दोनों आपस में प्लेस हैं पास पास में, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, हम इसको इसके नियर लेके आए। जैसे हम इसको नियर लेके आए, इसके अंदर क्या हुआ, जो इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, इन दोनों सिस्टम के अंदर जो निगेटिव चार्ज होंगे उसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाली साइड इसकी निगेटिव हो जाएगी और ये वाली साइड इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको अलग कर देंगे, अलग कर देने के बाद में जो इसको जो हम सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब विदाउट टच, इसको हमने टच भी नहीं किया इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, और फिर भी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, एक और बात है जो आपको मतलब ध्यान में रखनी है, कि जब भी अगर हम इसको ग्राउंडिंग कर दें, सपोज करो इसकी इसकी हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं, ठीक, इसकी अगर हमने ग्राउंडिंग कर दी, जो भी इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा, जो भी नेट चार्ज होगा अगर हमने इसकी ग्राउंडिंग कर दिया, वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड होता है एक तरीके से, ये आप इसको समझ लो कि जितना भी ये किसी भी बॉडी को न्यूट्रल बना देता है, अगर इसके हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर देंगे किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ में, तो उस बॉडी को ये न्यूट्रल बना देता है। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर नो चार्ज, उस बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ओके। तो ये तो बात थी इसकी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की और चार्जेस कंजर्व की, ठीक है। अगला इसी का ही टॉपिक है, इसी का ही है टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कि जो चार्ज होता है आपका होल नंबर्स के अंदर एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, ये फ्रैक्शंस में नहीं जाता, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 2.5 चार्ज चला गया, या 3.5 चार्ज चला गया, या 10,550.5 चार्ज चला गया, हमेशा हमेशा जो होता है चार्ज आपका जो ट्रांसफर होता है बॉडी वन से, सपोज करो ये आपकी बॉडी वन है और ये आपकी बॉडी टू है, ठीक है। और इस बॉडी वन से बॉडी टू के अंदर जो भी आपका जो ट्रांसफर हुआ है चार्ज, जो भी आपका ट्रांसफर हुआ है वो पॉजिटिव होल नंबर्स में ट्रांसफर होता है, मतलब Q = Ne में ट्रांसफर होता है, ये आपका फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसे। क्यू का मतलब होता है चार्ज, एन का मतलब होता है ये आपके इंटीजर, कोई भी वैल्यू आपकी इंटीजर वैल्यू, एन मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है, और
और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, 1.6 इंटू 10^-19 कोलम। ओके, तो ये थी बात एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की, और आगे इसके बढ़ते हैं तो कूलम्स लॉ आता है। इससे पहले क्वेश्चन है, चलिए पहले कूलम्स लॉ समझा देते हैं फिर क्वेश्चन समझेंगे। तो कूलम्स लॉ होता क्या है, 11th क्लास में आपने कोर्स के साथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है आपको चार्ज के साथ में दे रखा है। फोर्स के साथ में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, याद है किसी को? F is equal to product of mass M1 M2 divided by separation distance between them का whole square का square M1 M2 divided by R square। और भी कुछ होता था K something like this। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का होता है। अगर हम बात करते हैं चार्जेस की, तो दो चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स होगी या तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगी, भैया इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं होगी ना। या तो दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। सिस्टम ऑफ चार्जेस भी पढ़ेंगे लेकिन पहले हम दो चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दो चार्जेस की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक। तो यही पढ़ना है हमें इसके अंदर, आपके कूलम्स लॉ के अंदर। तो कूलम्स लॉ कहता क्या है, कूलम्स लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग बिटवीन सेपरेटिंग देम द साइज मे बी इग्नोर्ड and the charge bodies are treated as a point charge। So Coulomb measure the force between the two point charge and found that the varies inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of magnitude of the two charges and act along the line joining the two charges। Thus if two point charges Q1 Q2 are separately by the small distance r in vacuum, the magnitude of the force between them is given by तो इसमें आपका Q1 क्या है, Q1 है आपका जो फर्स्ट चार्ज है चार्ज 1, और Q2 क्या है जो आपका सेकंड चार्ज है। ओके गाइस, तो और के क्या है, के डिपेंड करेगा आपका कि जो आपकी जो बॉडी रखी हुई है, जो आपके चार्जेस रखे हुए हैं वो किस मीडियम में रखे हुए हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो आर है ये आपका सेपरेशन डिस्टेंस है, सेपरेटिंग डिस्टेंस, ठीक। तो बस ये था कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है बस यही था। और इसमें एक और चीज है के की वैल्यू, तो भाई के की वैल्यू क्या होती है फॉर फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी होता है, आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जब आपकी बात होगी फ्री स्पेस के अंदर तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, लेकिन जब बात होगी आपकी किसी मीडियम के अंदर तो वहां पे आपका एप्सिलॉन बन जाएगा, और एप्सिलॉन की वैल्यू आपको डेफिनेटली दी होगी, इसमें वरी करने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, अगर मैं वैल्यू बताऊं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10^-12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये होती है इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। और तो इसमें एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 1.2, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो एग्जांपल नंबर 1.2 आपसे कहता है, एग्जांपल आपसे ये कह रहा है, इफ द 10^9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ द बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, ठीक है।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10^9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10^9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से हर 1 सेकंड में निकल रहे हैं, तो ये पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा एक कूलम का चार्ज लिबरेट होने में उस बॉडी के अंदर से। ठीक है, तो भाई एक कूलम का चार्ज लिबरेट होने में कितना टाइम लगेगा, आप ये देखिए कि कितनी देर में एक कूलम जो चार्ज है उस बॉडी के अंदर से निकल जाएगा। सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, 10^9। ठीक है, तो 10^9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकंड के अंदर। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10^-19 कूलम, इतना। तो 10^9 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना होगा, 1.6 × 10^-19 मल्टीप्लाई 10^9 इक्वल टू 1.6 × 10^ कितना बचेगा, -10। इतना मतलब इतना जो चार्ज है आपका 1 सेकंड के अंदर निकल रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि एक कूलम चार्ज कितनी देर में हो जाएगा। तो भाई एक कूलम के लिए 1 से डिवाइड कर दो, 1.6 × 10^-10 ये हो जाएगा आपका 10^10 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाय 1.6। ठीक है, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन बोलता है आपसे 1.3 क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप वाटर के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर के अंदर मतलब कप के अंदर कितना वाटर आएगा। तो एक कप के अंदर मान लिया हमने 250 ग्राम आपका वाटर आएगा। ठीक, वाटर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वाटर कुछ नहीं बस H2O होता है। अब H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है आपके 8 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है 1 × 2 = 2। दो है ना हाइड्रोजन हमारे पास में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कितना होगा, 10। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10^-19। तो 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1.6 × 10^-19 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है गाइस, इतना चार्ज। अब हम बात करते हैं वाटर की, 250 ग्राम वाटर के अंदर वाटर का जो मॉलिकुलर मास होता है, वाटर का मॉलिकुलर मास होता है 18। तो 250 ग्राम वाटर के अंदर जो हम निकालेंगे टोटल जो इसका मॉलिकुलर मास बनेगा कितना बनेगा, 250 ग्राम वाटर के अंदर 250 × 18। ओके, तो 250 × 18 यहाँ से आएगा आपका इसका मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, नंबर ऑफ जो आपके जो मॉलिक्यूल होंगे उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो होता है आपका 6.023 × 10^23। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में यहाँ से जब आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 10। 10 है इलेक्ट्रॉन आपके, फिर 10 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 10 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में ये तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, अभी चार्ज नहीं आया वाटर का। ये आया है कि आपके एक कप वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन हमें एक कप वाटर के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस बताने हैं कि एक कप वाटर के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ चार्जेस निकालने के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करवा देना है नंबर जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का। तो हमने 1.6 × 10^-19 सही लिखा है ना, हाँ ठीक है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा।